आज के दौर में बहुत से नेता कांग्रेस पार्टी और समाजवादी पार्टी में रहते हुए भारतीय जनता पार्टी के स्लीपर सेल की तरह काम कर रहे हैं और वक्त आने पर खुल जाते हैं और बीजेपी का सपोर्ट शुरू कर देते हैं। उन्हीं नेताओं में से एक नाम जो खुलकर सामने आया है वो है आचार्य प्रमोद कृष्णन का। आचार्य प्रमोद कृष्णन अंदर से अपने अंदर भारतीय जनता पार्टी को समाहित किए हुए थे, रोम रोम में बसी थी बीजेपी और आरएसएस, लेकिन ऊपर से जो चेहरा लगाए हुए थे वो बहुत सेकुलर चेहरा लगाए थे, जबान भी उन्होंने दोहरी चिपका रखी थी। उस चेहरे के पीछे जो आचार्य प्रमोद कृष्णन का था उसके पीछे एक नकलियाचार्य प्रमोद कृष्णन थे। मैं लोगों से कहा करता था, कहता था कि इस आदमी से होशियार रहो, ये आदमी ठीक नहीं है, ये कभी भी बीजेपी की और मोदी की पैरवी शुरू कर देगा और बीजेपी को बढ़ाएगा। लेकिन लोग नहीं सुनते थे, मुसलमान खास करके, मुसलमानों में थोड़ी सी इंसान को पहचानने की सलाहियत पैदा करना पड़ेगी, अच्छे और बुरे को पहचानने की सलाहियत पैदा करना पड़ेगी। ऐसा नहीं है कि कोई भी आया उसने दो शेर पढ़े, दो गजलें, दो नगमे और नबी पाक की दो नाते पढ़ी और आप उस पर भरोसा करने लगे। ऐसा नहीं होता है कि दो नाते जिसने पढ़ दिए वो आपका हमदर्द हो गया। 2019 के लोकसभा में कांग्रेस ने प्रमोद कृष्णन को लोकसभा का प्रत्याशी बनाया लखनऊ से। ये मुस्लिम मोहल्लों में खड़े होकर मुसलमानों को साथ लेकर मस्जिदों के बाहर खड़े होकर नाते पढ़ने लगे कि जितना नबी तुम्हारा उतना नबी हमारा। मुसलमान बिल्कुल उतावला हो गया, बिल्कुल खुश हो गया। मैंने तब भी मना किया था, इस आदमी को वोट मत देना, होशियार रहना इस आदमी से। नहीं माने। फिर इस आदमी ने बदरुद्दीन अजमल साहब के बारे में आसाम में कहा कि बदरुद्दीन अजमल साहब की दाढ़ी बकरे की दाढ़ी है, वो बकरे हैं। मैंने बहुत सख्त मजम्मत अल्फाजों में की थी इस आदमी की और मैंने कहा था कि अगर कांग्रेस के नेताओं की ये सोच है कि मुसलमान की दाढ़ी को वो बकरा से मिला देंगे, मुसलमान को बकरे से मिला देंगे, तो ऐसे लोगों पे कार्रवाई होना चाहिए। और अगर बदरुद्दीन अजमल साहब के बारे में कहा गया तो मैंने कहा था मियां फिर आपकी दाढ़ी क्या है, आप काहे की दाढ़ी लगाए हुए हैं, आपको क्या कहा जाए। और आज देखिए खुलकर सामने आ गए। कहां गई वो इनकी सेकुलरिज्म? कल तक जो कहा करते थे कि नहीं वो मस्जिद है, बाबरी मस्जिद है, बाबरी मस्जिद है, मुसलमान बहुत खुश होता था। मुझसे एक दो लोगों ने कहा कि नहीं वो तो बाबरी मस्जिद कहते हैं, कि नहीं बाबरी मस्जिद को गलत गिराया गया। मैंने उनको फोन करके पूछा उन साहब को, मैंने कहा आप तो बड़े करीब आदमी थे, खास आदमी थे। मैंने कहा अब वो आदमी कह रहा है कि राम मंदिर बनकर मोदी ने बहुत दुनिया में बहुत बड़ा काम कर दिया। तो जो साहब कल तक मुसलमान भाई मेरे दोस्त पैरवी करते थे प्रमोद कृष्णन की, वो सर झुकाए मुंह लटकाए बैठे हुए। असल में आचार्य प्रमोद कृष्णन को बढ़ावा दिया प्रियंका गांधी जी ने, जहां तक मुझे मालूम पड़ा। और मैं आज आप सबसे गुजारिश कर रहा हूं कि आपका हमदर्द आपका भाई हो सकता है। हर आदमी को आप नेता मानने ले रहे हो, मसीहा मानने ले रहे हो, नफरत आपको सिर्फ अपने लोगों से है। मेरे भाई इंसान को पहचानिए, दो नाते पढ़कर दो गजलें पढ़कर आपका मसीहा नहीं बनता है कोई, ना बनेगा। मसीहा आपका वही बन सकता है जो आपकी गाली खाने के बाद भी आपके लिए लड़ रहा है, उसका नाम है असद ओवैसी, जिसको आप बुरा बुरा कहते हो, बीजेपी एजेंट कहते हो, फिर भी वो आपके लिए लड़ रहा है, लोकसभा में बोल रहा है, वो है आपका नेता। हम लोग हैं आपके साथ खड़े हुए, सोचिए। और मैं फिर कह रहा हूं नकलियाचार्य टाइप के लोगों से होशियार रहिए। बीजेपी के लोग इनको कहते थे शुक्राचार्य, शुक्राचार्य जानते हैं? भारतीय जनता पार्टी के लोग कहते थे आचार्य प्रमोद कृष्णन को शुक्राचार्य, शुक्राचार्य मतलब राक्षसों का गुरु। कई बार टीवी पे मेरे साथ भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ताओं ने कहा कांग्रेसाचार्य, कांग्रेसाचार्य। और आज वो शुक्राचार्य और कांग्रेसाचार्य जो है वो बहुत इनके गले लग गया, सर पे बिठाए ले रहे हैं ये। कांग्रेस को समझना होगा, सपा को समझना होगा, भारतीय जनता पार्टी के स्लीपर जो सेल है इनको निकाल के बाहर फेंकना होगा
और मुसलमानों आपसे भी गुजारिश कर रहा हूं कि ऐसे लोगों को पहचानिए, अपने भाइयों की बात को मानिए, अपने नेता पैदा कीजिए। अगर आप अपने नेता पैदा नहीं करेंगे तो हर लम्हे, हर पल, हर दिन, हर साल इसी तरह धोखा खाते रहेंगे। और अगर आप चाहते हैं कि आप धोखा ना खाएं तो अपने लोगों को गाली बकना बंद कीजिए, उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े होइए, आप उनका साथ दीजिए। हम सब आपकी लड़ाई लड़ने के लिए यहाँ हमेशा 24 घंटे तैयार हैं। और ये जो नकलियाचार्य जैसे लोग हैं, इनको पहचानिए और इनके खेमों को